लेकिन वो आने को राजा बैठे हैं। जो भक्त राजा है वो तो देख रहे हैं कि देखो प्रिया प्रीतम का देखो कितना विनोद है, हास्य को चरण नहीं छू रहे और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जो अहंकारी राजा बैठे थे, अहंकारी राजा बोले भाई हमें तो ऐसा लगता कन्या के मन में वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, अब शादी तो करनी पड़ेगी, जो मैं धनुष तोड़ दिया तो माला तो डालनी पड़ी लेकिन चरण नहीं छूएगी क्योंकि श्रद्धा नहीं है, पसंद नहीं करती, ये अहंकारी राजा। अभी एक राजा ने देखा बोले जब लड़की के मन में वर के प्रति श्रद्धा नहीं है तो एक काम करो बोले क्या के हल्ला बोल दो एक राजा बैठा था एकदम चिल्ला पड़ा बोले सीता को छुड़ा लो या जनक सहायता करे बंदी बना लो, दोनों भाइयों को जेल में कारागृह में डाल दो पकड़ लो। अब जैसे उसने भड़काऊ भाषण दिए साइड में एक सज्जन बैठे थे भाई साहब इतने भड़काऊ भाषण बोल रहे हो तो तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते। उसने कहा एक बात बताओ जो भड़काऊ भाषण देता है आज तक आगे बढ़ा है। आप देखते बोले फिर जब आप बढ़ नहीं रहे आगे तो फिर भड़काऊ भाषण दे क्यों रहे हो। बोले हम तो इसलिए दे रहे हैं कि शायद किसी को जोश आ जाए इसलिए दे रहे। ठीक है वैसे एक निवेदन करूं ये भारत देश है यहाँ भौंकने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप किसी को कुछ भी कहो मोदी को गाली दो चाहे किसी और को, क्योंकि भारत है। एक बार ऐसा हुआ विदेश से दो कुत्ते हमारे इंडिया घूमने आए, अब इंडिया के कुत्तों ने देखा कि विदेश से आए तो एयरपोर्ट पर ही माला वाला लेके मोस्ट वेलकम गए। बोले भाई साहब आप हमारे आए तुम्हारा स्वागत है, बताओ कहाँ घूमना है, वृंदावन प्रेम मंदिर दिखा दें या आगरा ताजमहल देखोगे या बरसाने में रंगीले महल की गिरिराज की परिक्रमा लगानी है, बताओ कहाँ कहाँ घुमाएं। उन्होंने कहा वो तो हम ढंग से घूम लेंगे आराम से, अब तो यही रहना है। इंडिया के कुत्तों ने कहा यही रहना है। बोले हाँ बोले क्यों तुम्हारे यहाँ खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया नहीं है विदेश में। बोले तुम्हारे यहाँ से बढ़िया मिलता है खाने को। बोले फिर यहाँ क्या करोगे, तुम्हारे यहाँ की जलवायु ठीक नहीं है। बोले वो भी ठीक है। बोले फिर इंडिया में क्या है कि तुम यहाँ रहने आए हो। विदेशी कुत्तों ने कहा वहाँ खाने पीने की रहने सहने की सब व्यवस्था है लेकिन भौंकने पर प्रतिबंध है, थोड़े भौंके के इंजेक्शन लगवा दिया और यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं है। इसलिए राजा तो राजाओं ने कहा पकड़ लो, लेकिन तुलसी बाबा लिख रहे हैं बड़ी मीठी शिव धनु भंगा आयो गुरुकुल कमल पतंगा। वाल्मीकि रामायण में और भागवत जी में जब बरात लौट के जा रही है तब परशुराम जी आए। जब बरात लौट रही थी अब कोई कहे जंगल में मोर नाचा नाचा होगा, हमने तो नहीं देखा भाई सामने नाचे तब तो ना? तो ऐसे लेकिन तुलसी बाबा कह रहे हैं जैसे ही राजा लोगों ने कहा तो पकड़ लो सीता को छीन लो जनक को बंदी बना लो, उसी समय आयो गुरुकुल कमल पतंगा। मरद चारों तरफ से परकोटा था जैसे ये दरवाजा एक परशुराम जी धनुष्मान हाथ में फरसा लिए गेट के बिल्कुल मध्य में खड़े हो गए। अब जो लोग कह रहे थे पकड़ लो छोड़ो मत सीता को छीन लो इनसे, किसी का मुंह खुला रह गया किसी का हाथ ऐसे भगवान परशुराम को देखा तो हवा निकल गई। अब चाहे जाए तो जाए कहां, जो दुबले पतले राजा थे मोटे राजाओं के पीछे छुप गए, मोटे के दर जाए। श्री बड़ी सुंदर चर्चा। और जैसे आए भगवान परशुराम या तुलसी बाबा ने घर सब लोग अपने अपने पिताओं का नाम लेकर तो समय तो कहीं कहीं निजनामा लगे करण सब दंड प्रणामा, सब अपने अपने पिताजी का नाम लेकर प्रणाम कर रहे हैं कोई इसमें। लेकिन जनक जी ने देखा कि ये तो प्रणाम कर रहे हैं अब क्या करें, और भगवान परशुराम है न जाने कैसे क्रोध शांत हो ना हो तो सखियों के साथ किशोरी सीता जी को भेजा और सीता जी ने जैसे भगवान परशुराम के चरण छुए परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भवो। जनक जी जान गए अब तो विपदा टल गई, गुस्सा चाहे कितनी भी करे लेकिन अब बिगड़ना तो कुछ नहीं क्योंकि आशीर्वाद इन्होंने दिया। परेशान थे विश्वामित्र जी के जनक जी भी पतली गली से निकल गए अब मैं क्या करूं। आज विश्वामित्र जी ने देखा भगवान परशुराम को, भगवान परशुराम अरे महामुनि विश्वामित्र, और जैसे विश्वामित्र जी आगे बढ़े श्री हरि ऐसे मिले भगवान परशुराम से कि फरसे वाला हाथ ऐसे दबा दिया और जल्दी राम लखन को बुलाया प्रणाम करके बिठा दिया। परशुराम जी ने देखा
इतना सुंदर जीवन में नहीं, अमृत बहु जो साक्षात अमृत स्वरूप है, साक्षात मनमत मनमत कोटि पुण्य सौभाग्यम करोड़ों चंद्रमा जिसके रूप लावण्य पर जो छावर किए जाए तब भी बराबरी नहीं कर सकते ऐसे सरकार। आज जनक जी ने देखा कि चलो सब ठीक ठाक है लेकिन परशुराम जी को आवेश भी। परशुराम जी ने कहा कौजर जनक धनुष की तुला, ये भीड़ कैसे है? बोले कुछ नहीं, वो धनुष की प्रतिज्ञा करी थी इसलिए राजा लोग आए। और जैसे धनुष के दो खंड देखे कौजर जनक धनुष की तुला, हे जड़ जनक ये बता धनुष किसने तोड़ा? अब एक बात बताओ, उस समय के सबसे बड़े फिलोसफर जनक जी, सबसे बड़े विद्वान क्योंकि सुखदेव जी के भी गुरु हैं, और उन्हें कोई जड़ कहे, लेकिन बारीकी से देखो जड़ क्यों कहा है? क्योंकि जनक जी ने कहा महाराज मेरी बेटी सीता ने धनुष को उठा लिया था, तो मैं कल जो निवेदन कर रहा था तो मैंने प्रतिज्ञा करी कि मेरी सीता ने धनुष को उठाया, जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ शादी कर दूंगा, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा करी। तो परशुराम जी ने कहा भले आदमी जब तूने कह रहा है कि सीता ने धनुष को उठा लिया तो तू ये भी प्रतिज्ञा कर सकता था कि धनुष पर जो बाण चढ़ा देगा उसके साथ शादी कर दूंगा, तोड़वाने की प्रतिज्ञा क्यों करी भाई? जनक जी ने कहा महाराज बात आपकी सही है लेकिन मैंने तोड़वाने की प्रतिज्ञा इसलिए करी, शंकर जी ने ये धनुष मेरे पूर्वज राजा देवराज को दिया ये धनुष, लेकिन ओनली धनुष दिया बाण नहीं दिया, अगर बाण दिया होता तो चढ़वाने की प्रतिज्ञा करता जैसे, इसलिए तोड़वाने। प्रिय शब्द जो आनंद का सूचक है, ये वो ही है जो आनंद स्वरूप है, रसम एवं आनंदी भवती ब्रह्म सूत्र एक बार है, रसम एवं लब्धा आनंदी भवती दो सात तैतृय पर सर, जो आनंद स्वरूप है एको देव सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतात्मात्मा कर्मा दीक्षा सर्वभूतादिवास साक्षी चेता के लोक निर्गुणस्य, ये वेद बोल रहा हूँ श्वेता श्वेत पर संबंध संख्या 611 है, ऐसा जो ब्रह्म है अणोर्णीय महत्वीय आत्मी जति नेतु वहन तम कुछ पसंद बीत होगा धर्म साधन में इमान मात्मना आसीन गुरु मृद सयानम यान सर्वतः कस्तम मदा मदन देव मदन्यु ज्ञात मरहती, ये कठोपन सत एक दो बीस एक दो इक्कीस, और यही मंत्र श्वेता सिद्ध परिषद में भी है वह मंत्र संख्या 320 जो का जो मंत्र श्री हरि। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि जब विश्वामित्र जी ने बता दिया कि यह ब्रह्म है तो ब्रह्म तो तोड़ ही देता तो सीता को वैसे ही दे देता, धनुष क्यों तड़वाया? और तूने धनुष तड़वाया इसलिए कहूं जड़ जनक, इसलिए जड़ शब्द का प्रयोग किया श्री हरि। बड़ी मीठी चर्चा। अब तो जो अहंकारी राजा थे वो मुस्कुराने लगे, बोले और करो प्रतिज्ञा है धनुष तड़वाने की, अब पता चलेगा भगवान परशुराम से पाला पड़ा है। कोई नहीं बोल रहा। इधर में राम जी बोले चौपाई आप सबको याद है दूसरी क्लास में पढ़ी थी गुरुगुणा, नाथ संबोधन भंजने को तोड़ने वाला कोई आपका दास है, यही तो अर्थ है। लेकिन नाथ पे रिपोर्टिंग पर वो कौमा लगा दे तो इसे प्लुत कर दें, तीन लग दे ऊपर, व्याकरण में ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है, एक मात्र द्वि मात्र त्रि मात्र, तो नाथ पे वजन दे के कहेंगे जैसे मुर्गा बोलता है कुकू, पहले ह्रस्व फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा, तो जब उसको प्लुत करेंगे तो नाथ, मानो राम जी कह रहे धनुष को तोड़ने वाला साधारण नाथ नहीं वो रघुनाथ है, और करूंगा तो सुनिए नाथ संबोधन भंजने आया, इस नाथ को आगे से उठा के सब के पीछे लगा दो, आगे से उठाओ पीछे लगाओ तो क्या बना संभुनाथ, धनुष को तोड़ने वाला साधारण नहीं वो शंकर का नाथ है।
प्रभु आपका कोई दास रहा होगा? बोले अब नहीं है। बोले अब नहीं है क्यों? बड़ा सुंदर संकेत दिया भैया, कर्तृत्व अभिमान तब तक होना चाहिए जब तक आप कार्य कर रहे हैं, और जब कार्य पूर्ण हो जाए तो फिर अभिमान काहे का? समझ रहे हो? आप कोई कार्य करें तो वो तब तक रहना चाहिए अभिमान के हम कार्य कर रहे हैं, कार्य की समाप्ति तो अभिमान भी समाप्त होना चाहिए, कर्तृत्व अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान लेकर के नहीं। देखो यहाँ राम जी कह रहे कोई रहा होगा, ऐसे ही हनुमान जी जब लंका जला के लौटे, राम जी ने पूछा तुमने लंका जलाई? बोले नहीं मैंने नहीं जलाई। बोले क्यों? अरे सीधी सी बात है, किसी की झोपड़ी जला के बता दो या फिर दर्द होती है कि नहीं? आप देखो हनुमान जी ने लंका को जलाया, कहीं एफ आई आर दर्द नहीं हुई? अर्जुन ने कितनी सेना को मारा, कहीं एफ आई आर दर्द नहीं हुई? तुम किसी का सिर फोड़ के ही बता दो, 307 लगे तो बस। समझ में आ रही है? ऐसे समझिए, क्योंकि कर्म वो माना जाता है जिसमें मन का अटैचमेंट हो, जहां अपने को करते तो अभिमान लेकर के हम बैठे, मैंने किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन हनुमान जी ने लंका जलाई तो हनुमान जी कह रहे सरकार मैंने नहीं जलाई। बोले फिर कैसे जली? बोले सीता जी के संताप से, विभीषण के जाप से, रावण के पाप से, प्रभु के प्रताप से और हमारे पाप से जले मरुत उनचास। अपनी कोई रूपरेखा नहीं है तो श्री हरि अंगद ने भी कहा है रावण से, सत्य नगर कपि जारे बिनु प्रभु आए सुपाए, फिर न गयो सुग्रीव पह ते भय रहा लुका। के सत्य नगर का पिजारे, ये सत्य है कि आपके नगर को बजरंगी जला गए, लेकिन हम बताएं बिना प्रभु की आज्ञा के जलाए, इसलिए फिर न गयो सुग्रीव पह, फिर सुग्रीव के पास लौट के नहीं गया। अब आप सोचेंगे अंगद झूठ बोल रहा है, लौट के नहीं गया, बिल्कुल ठीक बोल रहा है अंगद, क्योंकि हनुमान जी लंका जला के सुग्रीव के पास नहीं राम जी के पास गए, फिर न गए सुग्रीव पाई। या ऐसा अर्थ करिए फिर न गए हनुमान जी, फिर लौटे नहीं। बोले लौटे तो सही, फिर क्यों? बोले वो कर्तव्य तो अभिमान लेके नहीं गए कि मैं लंका जला के आ रहा हूँ, मैं चैंपियन हूँ, रावण की लंका जला दी, बिल्कुल शून्य होकर के गए। ऐसे राम जी बिल्कुल शून्य होई, कोई एक दास तुम्हारा आपका कोई दास होगा, ऐसा राम जी ने कहा।